नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर हिजाब विवाद पर अपनी राय रखी है। हिजाब विवाद से जुड़ी एक स्टोरी को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, हिजाब पहने हुई लड़कियों को स्कूलों में एंट्री देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं पर दबाव डाला जाता है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। बता दें कि 25 साल की मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के स्वात से आती हैं। लड़कियों की पढ़ाई के लिए लिखने को लेकर 2012 में तालिबान लड़ाकों ने उनको गोली मार दी थी। इसके बाद से ही वो इंग्लैंड में रह रही हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कर्नाटक का है, जहां कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनने के चलते उन्हें कैंपस और क्लास में नहीं जाने दिया गया। हिजाब को लेकर प्रदर्शन पिछले महीने कर्नाटक के उडुपी में सरकारी प्री यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज से शुरू हुआ था। उडुपी और चिकमगलुरु में दक्षिणपंथी समूहों ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई थी। बाद में ये विवाद कर्नाटक की सीमाओं से बाहर भी फैल गया, जिससे ये मामला न सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश भर में चर्चा में है। इस बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया है। उधर स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहना जा सकता है या नहीं, इस बात को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।